सोलहवीं विधानसभा का पहला सत्र प्रश्नकाल से आज शुरू होगी कार्यवाही। सत्ता पक्ष को घेरने की विपक्ष ने तैयारी पूरी कर ली है। आज से शुरू होंगे सवाल जवाब। पहले दिन सूचीबद्ध 31 सवाल जिनके जवाब सत्ता पक्ष से लिए जाएंगे। तो विपक्ष की पूरी तैयारी है और तैयारी के साथ सोलहवीं विधानसभा का ये पहला सत्र शुरू हुआ है। दो चरणों में सत्र होगा। पहला चरण इस समय चलेगा, आज से शुरू हो जाएगा और उसके बाद फरवरी में दूसरा चरण होगा जिसमें भी सवाल जवाब किए जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज प्रश्नकाल से कार्यवाही शुरू होगी। सत्ता पक्ष को घेरने की विपक्ष की पूरी तैयारी यहां पर रहने वाली है। तो आज से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पहला सत्र है लेकिन 136 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने एक भी सवाल नहीं किया है। तो एक बड़ा सवाल इस पूरे सत्र को लेकर भी है। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र जो कि शुरू होगा आज प्रश्नकाल के बाद कार्रवाई शुरू होगी। सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी भी है लेकिन सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। और आज के क्या कुछ सवाल जवाब होंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पहले दिन सूचीबद्ध 31 सवाल है जिनके जवाब लिए जाएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, आज प्रश्नकाल के बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी और तमाम तैयारियां, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तैयारी के साथ इस सत्र में पहुंचेंगे। क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? हाँ, देखिए बिल्कुल हो रहा है। आज चूंकि विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आज शुरू होगी, पहले हो चुका है तो उस दौरान केवल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था। बाकी आज प्रश्नकाल रहेगा, शून्यकाल रहेगा, बाकी जो विधायक कार्य होते हैं विधानसभा में वो किए जाएंगे। तो इस दौरान निश्चित रूप से अब जो तैयारी दोनों पक्षों ने की है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में, वो नजर आएगी। विपक्ष के मुद्दों को लेकर आज हमलावर नजर आ सकता है। वही जो सत्ता पक्ष है वो भी सौरभ तैयारियों के साथ है, खासकर जो मैं कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर हो सकता है। एक कर्ज माफी की बात, लगातार किसानों की जो जमीन कुर्क हुई थी उसको लेकर जो सरकार ने वादा किया था उस पर अभी क्या कार्रवाई है उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा सकता है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष हमलावर है। और जो हाल ही में कुछ योजनाओं के नाम बदले गए हैं उनको लेकर भी विपक्ष सवाल खड़े कर सकता है। इसको लेकर सत्ता पक्ष भी हालांकि पूरी तैयारी के साथ है। अब देखना ये होगा कि सदन में क्या इस दौरान हंगामा होता है या फिर दोनों पक्ष इन तमाम मुद्दों को जी एक सहजता के साथ उठाते हैं। भले ही क्योंकि विपक्ष का धर्म है या विपक्ष का फर्ज है कि वो मुद्दों को उठाए और सत्ता पक्ष का जवाब देना उनका ड्यूटी बनती है, लेकिन कई बार किसी मुद्दे विशेष को इस तरह उठाने का तरीका बन जाता है कि हालात सदन के बहिर्गमन तक पहुंच जाते हैं, स्पीकर को इस तरह चलने की नौबत आ जाती है सदन को, तो वो हालात ना बने ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सौरभ, अच्छा संकेत आपको जानो तो अभिभाषण के दौरान मिला था जब विपक्ष ने कोई बहिर्गमन नहीं किया था, केवल हनुमान बेनीवाल ने वेल में आकर विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस और बाकी अन्य विपक्षी पार्टियों तरफ से किसी भी तरह का कोई विरोध उस दौरान देखने को नहीं मिला था। तो एक अच्छा संकेत कह सकते हैं कि लगातार एक प्रयास ही किया जा रहा है कि दोनों पक्ष एक स्वस्थ बहस करें, आपस में जनहित के मुद्दों को लेकर चर्चा करें। और निश्चित रूप से ये तय है कि विपक्ष को अपनी बात रखनी होगी। कई बार कोई विधेयक पास होता है या कोई बिल लाया जाता है सौरभ, तो उसमें कमियां होती हैं। विपक्ष का ध्यान है उन कमियों को उजागर करना या उन कमियों की ओर सत्ता पक्ष का ध्यान खींचना। ऐसे में सत्ता पक्ष का एक बड़ा दायित्व बन जाता है कि उनको ध्यान में रखते हुए उनकी बातों को मानकर अगर वो बिल और विधेयक में परिवर्तन कर सके या लगता है कि वाकई वो खामियां हैं तो उनको दूर कर सके, तो उससे एक बड़ा सत्ता पक्ष का मन सामने आता है जो वाकई जनहित का प्रतीक होता है। लेकिन अगर विपक्ष ने कोई सवाल खड़े किए और सत्ता पक्ष उसको ईगो पे ले जाए, या मैं कहूँ कि सत्ता पक्ष नहीं माने, या विपक्ष कई बार उन मुद्दों को तूल दे देता है जो शायद नहीं देना चाहिए, तो अब देखने वाली बात यह हुई कि आज सौरभ सदन किस तरह चलता है। क्योंकि आज एक तरह आज ये पता लग जाएगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि 30 तक अभी है इसका कार्यवाही का समय, तो किस तरह का सदन देखने को मिलेगा। जी सौरभ, लेकिन लाल सिंह, जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ वो दिन कुछ और था, लेकिन आज दिन कुछ अलग और जो विपक्ष है उसके तेवर कुछ अलग देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ सत्याग्रह की बात कांग्रेस कर रही है न्याय यात्रा को लेकर। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किस तरह से देखते हैं इसे कि आज भी जो कार्रवाई चलेगी वो हंगामे की भेंट चढ़ जाए इसको लेकर? देखो बिल्कुल इस आशंका से इनकार नहीं कर सकते सौरभ,
क्योंकि मैंने कहा कि विपक्ष लगातार अपने तीखे तेवरों के साथ है। इधर जो राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है उसमें भी कल उनको रोक भी दिया गया था मंदिर में, तो वो भी एक मुद्दा हो सकता है, हालांकि वो राज्य के बाहर का मुद्दा है। ठीक है, इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया सौरभ, कानून व्यवस्था को लेकर, किसानों की कर्ज माफी को लेकर, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष हमला पर है जी। तो हो सकता है कि ये नौबत आ जाए कि विपक्ष हंगामे की भेंट चढ़ जाए, लेकिन अब चूंकि सदन की कार्यवाही के दौरान किस तरह की तस्वीर देखने को आती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।